तो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ओप्पो A16 मोबाइल में आप पावर बटन को प्रेस करने से, यानी कि दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल में पावर बटन को दबाएंगे, आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगी। अगर आपकी कॉल रिसीव हो रही है और चल रही है कॉल, तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं पावर बटन को कॉल को डिसकनेक्ट करना, तो कैसे कर पाएंगे? तो दोस्तों करना क्या है, सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। आप दोस्तों यहां से मैंने अपने सेटिंग को ओपन किया और यहां से थोड़ा नीचे आ जाना है आपको। और नीचे आने के बाद दोस्तों यहां पे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे ही क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहां पे कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाता है और यहां पे आपको देखने को मिलेगा एसेसबिलिटी का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको एसेसबिलिटी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे एसेसबिलिटी पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रेस पावर बटन्स टू एंड कॉल का ऑप्शन। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सिंपल उसके सामने जो टिक है उसको यहाँ से इनेबल कर देंगे। तो दोस्तों मैंने इसको यहाँ से इनेबल कर दिया। आप दोस्तों आपके मोबाइल में कोई भी कॉल आती है तो, और अगर आपकी कॉल चल रही है, अगर आप चाहते हैं कॉल को डिसकनेक्ट करना, तो दोस्तों आपको अपना पावर बटन दबाना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जिस बटन से ऑन ऑफ होता है उसको दबाना पड़ेगा और आपकी कॉल डिसकनेक्ट हो जाएगी या कट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ओप्पो A16 मोबाइल में कॉल को पावर बटन से डिसकनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो से कुछ सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो मैं रोज़ लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।